नमस्कार, एसएमसेट न्यूज इंडिया देख रही सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आरती, आपके साथ शुरुआत करते इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। पंजाब के अमृतसर में एसआई की गोली से युवक की मौत। मोबाइल की दुकान में लोगों को रिवॉल्वर दिखा रहे थे, तभी गोली चली और छाती में जा लगी। आर्मी जवान भेज रहा आईएसआई को खुफिया जानकारी। यूपी का रहने वाला अमृतसर में तैनात सुवेंद्रशील जगहों की तस्वीरें नक्शे भेजे, एफआईआर हुई दर्ज। केरल में हैरान कर देने वाली बड़ी घटना। पत्नी ने जॉब नहीं छोड़ी तो पति ने की हैवानियत, बुरी तरह पीटा। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर की वायरल। हैदराबाद के स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। 2 महीने से प्रिंसिपल का ड्राइवर कर रहा था दुष्कर्म, पेरेंट्स ने लाठी डंडों से पीटा। घटना के बाद से प्रिंसिपल फरार। खड़गे बने कांग्रेस अध्यक्ष। सोनिया के बाद सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इस पद पर दूसरे दलित नेता पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन केवड़िया में पीएम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने लॉन्च किया मिशन लाइफ अभियान, पूरी दुनिया ने की तारीफ। स्पेन में हरियाणा के पहलवानों को नहीं दिया गया वीजा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बड़ा झटका। सीएम मनोहर बोले, विदेश मंत्रालय में उठाएंगे मुद्दा। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बंगाल में तूफान का अलर्ट। बेंगलुरु में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। मेट्रो स्टेशन की दीवार गिरी। पाकिस्तानी आतंक का खालिस्तानी प्लान। आर्मी ने कश्मीर से खदेड़ा तो पंजाब पर आईएसआई का फोकस। कनाडा के बाद जर्मनी बना अड्डा। फ्रांस में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लोग सैलरी बढ़ाने की कर रहे मांग। 11 प्रदर्शनकारी हुए गिरफ्तार, 8 पुलिस अफसर घायल। ये थी अब तक की खास 10 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज इंडिया।